गाइस देखिए आज मेरे यहाँ नदिया आ गई है। देखिए जरा, देखिए देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये देखिए, मेरे घर में पानी पिल गया है, पूरा बाढ़ आ गया है। देखिए जरा, आप लोगों को दिखा दे क्या स्थिति है मेरे यहाँ की। देखिए ये पूरा पानी है, पूरे सारे कमरे हमरे सब फूल भर गया है, कुछ भी नहीं बचा है मेरे यहाँ, सारा काम निपट गया, ऐसा पानी गिरा है। देखिए आप लोग, देखिए क्या स्थिति है, मेरे घर के अंदर पिला है पानी, ये मेरे घर के अंदर है, पूरा घर मेरे सारे कमरे भीग गए हैं। यहाँ देखो चूड़ियाँ रखी थी, सारी चूड़ियों का नुकसान हो गया है। ये देखिए सारे कमरे के अंदर है, ये सारा कमरा है। देखिए ये देखो, इस पर मैंने फिर चूड़ियाँ उड़ियाँ हटा के सारा माल भीग गया। ये देखिए इतनी बुरी स्थिति है, एक भी कमरा नहीं बचा है मेरा, जबकि नया बनवाया था मकान, इसके बाद भी यही हाल हो गया। क्या करें, पानी ही नहीं निकला, इतनी भारी बारिश हुई है यहाँ पर। देखिए अब मेरी क्या स्थिति है मेरे मकान की, देखिए आप, पूरा मकान डूब भरा है पानी से खचाखच। ये देखिए आप लोग, पूरा कारे कमरे हमरे बंद हैं। देखिए आप लोग क्या स्थिति है। ये देखो यहाँ एक नाव डलवा दो, मैं आज सरकार से कहूँगा कि यहाँ पर एक नाव डलवा दी जाए सभी लोगों के लिए, जो निकलना चालू कर देंगे हम लोग। देखिए आप लोग क्या स्थिति है मेरे यहाँ की। और दिखाते हैं सारे अगल बगल मोहल्ले के कमरे, किसी के मोहल्ले में कमरे में नहीं बचा है कि जिसमें पानी ना घुसा, पूरा मोहल्ला। ये देखिए, देखो यार क्या स्थिति है, देखिए पूरे मकान, सभी पूरे मोहल्ले के मकान डूबे हैं पानी में, इतना पानी कभी नहीं देखा। देखिए सारे कमरों की स्थिति, देखिए आप लोग, देखिए क्या पोजीशन है हम लोगों की, रहना खाना पीना, वैसे भी यहाँ पानी नहीं आया था और पानी बरसा। देखिए पूरा टब डूबा है, ये देखिए आप लोग, पूरा टब डूबा है, ये पूरा मेरा आंगन है, ये मोहल्ले का बगल वाले सारे जगहों की लोकेशन ले ली मैंने, इतना भारी पानी गिरा है। देखिए आप लोग कुछ भी नहीं बचा है, साले वो टब तैर रहा है, ये टब तैर रहा है पानी के अंदर, पानी में तैर रहे हमारे सारे सामान तैर रहे हैं। देखिए आप क्या स्थितियाँ हैं, सारे मकान डूब गए हैं, इतना भारी पानी गिरा है हमारे यहाँ। अब हम लोगों को तो वहाँ बैठने सोने के लिए लाइट भी नहीं है, पानी भी पीने के लिए नहीं है, और ऊपर से इंद्रदेव ने पानी गिरा दिया है, अब क्या हाल होगा हम लोगों को। देखो ये गाड़ी रोड के, ये रोड है, रोड के ऊपर देखो गाड़ियाँ डूबी हैं, पहिया डूबी हैं सारे। और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि सारे मकान डूब गए हैं, यानी कि मकानों पे पानी घुस गया है अंदर। देखिए आप क्या स्थितियाँ हैं, देखिए आप बड़ी स्थिति खराब है हम लोगों की, अब कैसे हम लोग सोएंगे, कैसे जागेंगे, बड़ा मुश्किल है। पूरा घर देखिए आप लोग, ये देखो बाल्टी पीने के पानी था, ये देखिए पानी पीने की क्या स्थितियाँ हैं, देखिए आप लोग बहुत बुरी। हम लोग ये देखो तैर रही हैं, ये देखो बाल्टियाँ तैर रही हैं, ये टब तैर रहा है, ये बाल्टी तैर रही है, देखिए आप लोग इतना पानी है कि पूरी बाल्टियाँ घर के अंदर डूब गई हैं। अब आप लोग समझ सकते हो कितनी परेशानी में हम लोग हैं, ऐसा पानी तो बड़ा भयंकर करा। देखिए आप लोग, हम लोग जब ये देखो मैं डूबा हूँ, देखो सारे मकान डूब, जबकि ये नया मकान बनवाया था। ठीक है, कहीं कोई सारी असुविधा हो गई है हम लोगों के लिए, बड़ा परेशान है। देखिए अब सारे मकान डूब गए हैं, हम लोगों को तो आप सोने में भी दिक्कत होगी, इधर लाइट भी नहीं है, इधर पानी भी नहीं आया है कल से, और ऊपर से इंद्रदेव जी नाराज हो गए, ऊपर से पूरा पानी बरसा दिया है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है इसमें तो, बड़ा दुख है, क्या बताएं, सारे लोग परेशान हैं यहाँ, अब क्या बताएं हम, अरे भगवान क्या होगा अब तो। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहता तो मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाकर दिखा दिया है।